ओम का नियम। अब हम ओम के नियम के बारे में जानेंगे। ओम के नियम में बताया गया है कि जब तक सुचालक की भौतिक स्थिति एक जैसी रहती है, तब तक सुचालक के छोर के बीच प्रयुक्त संभावित अंतर V के माध्यम से विद्युत करंट के गुजरने पर निरंतर अनुपात का वहन करता है। सीधे शब्दों में इसका मतलब है कि जब सुचालक दो भौतिक स्थिति निरंतर रहती है, अर्थात तापमान, लंबाई, क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र इत्यादि, तो सुचालक के आर पार संभावित अंतर और सुचालक के माध्यम से प्रवाहित करंट का अनुपात निरंतर रहेगा। इसलिए V विभाजित I का माप V डिवाइडेड बाय I निरंतर रहता है और इस निरंतरता को R द्वारा सूचित प्रतिरोध कहा जाता है। अतः V डिवाइडेड बाय I इक्वल्स टू R। I का मतलब एम्पियर में करंट, E का मतलब वोल्ट्स में इलेक्ट्रोमोटिव बल EMF, R का मतलब ओम में प्रतिरोध हो, वोल्टेज V करंट I गुणन प्रतिरोध R के बराबर, V इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय R। करंट I वोल्टेज V विभाजित प्रतिरोध R के बराबर, I इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R। और प्रतिरोध R वोल्टेज V विभाजित करंट I के बराबर है, R इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय I। यदि बैटरी EMF 12.8 वोल्ट्स की है और 3.2 एक करंट की आपूर्ति करती है, तो सर्किट का प्रतिरोध क्या होगा? ओम के नियम के अनुसार V अनुपातित I है, V विभाजित I R होगा। इसी गणना से R 12.8 विभाजित 3.2 होगा, R 4 ओम होगा।